हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम कटहल से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी स्नैक बनाएंगे और साथ ही कटहल काटने का बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगी। इसके लिए यहाँ मैंने एक कटहल लिया है। ये कटहल बिल्कुल फ्रेश और मीडियम साइज का है। और अब हम एक इस तरीके का प्लास्टिक शीट लेंगे, या आपके पास अगर प्लास्टिक शीट ना हो तो आप पेपर भी रख सकते हैं और शीट के ऊपर कटहल रखेंगे। और अब हम हाथों पे तेल लगा लेंगे। यहाँ मैंने सरसों तेल के 2 से 3 ड्रॉप हाथ में लेंगे और इसे हाथों में इस तरीके से फैला लेंगे। और अब हम कटहल काटने के लिए इस तरीके के सब्जी काटने वाला लेंगे। इसे हमारे तरफ हसुआ या सब्जी काटने वाला कहा जाता है। इसके ऊपर भी अच्छी तरीके से तेल लगा लेंगे। और अब हम एक इस तरीके का नाइफ या चाकू लेंगे और चाकू के भी ऊपर अच्छे से तेल लगा लेंगे। और चाकू से हम इस तरीके से कटहल के ऊपर वाले भाग को काट लेंगे, जिससे इसका सारा दूध इजीली ऊपर की तरफ निकल जाएगा। और आप देख सकते हैं कटहल का काफ़ी सारा दूध निकल गया है। और अब हम कटहल के पत्ते से इन सारे दूध को इस तरीके से क्लीन कर लेंगे। अगर आपके पास पत्ता नहीं है कटहल का तो आप इसे कागज़ या न्यूज़पेपर से भी क्लीन कर सकते हैं। और अब हम कटहल को इस तरीके से लंबे साइज में कट कर लेंगे। आप इसे अपने पसंद के हिसाब से गोल साइज में भी कट कर सकते हैं। और ये देखिए, कटहल हमारा बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश है। और अब हम इसे बीच में से भी इस तरीके से कट कर लेंगे और इसके इस तरीके से छोटे पीस बना लेंगे। और इसे बीच में से एक बार और कट कर लेंगे और इस तरीके से कटहल का छिलके को भी हम इसमें से छील के निकाल लेंगे या कट कर लेंगे। और इस तरीके से इसके छोटे छोटे पीस को कट कर लेंगे। और अब हम एक बर्तन लेंगे और इसके सारे पीसेस को इसमें रख देंगे। कटे हुए कटहल में हवा लगने से कटहल का कलर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। तो अब हम कटहल में 2 ग्लास पानी डालेंगे और पानी डालकर हम कटे हुए सारे कटहल के छोटे छोटे पीस को इसमें रखेंगे, जिससे इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। यहाँ मैंने कटहल को कट करते समय हाथों में सरसों तेल का यूज़ किया था। सरसों तेल की जगह आप कटहल को कट करने से पहले नारियल का भी तेल हाथों में लगा सकते हैं। और ये देखिए, कटहल को यहाँ मैंने अच्छे से छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। ऑयल लगा के कटहल को कट करने से कटहल का जो दूध या लस्सापन है हाथों में, अगर वो लग भी जाता है तो ईजिली क्लीन हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सारे कटहल को अच्छे से कट कर लिया है। और अब हम इसे 1 से 2 बार अच्छी तरीके से पानी से धो लेंगे। और अब हम कटहल को पानी में से छान लेंगे और इस तरीके से कुकर में डालेंगे। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और कुकर को अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। और अब हम इसमें 1 कप या 1 गिलास पानी डालेंगे। और अब हम पानी को कटहल के साथ अच्छे से गर्म होने देंगे। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर डाल करके हम कटहल में अच्छी तरीके से इसे स्पैचुला से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे या मिला लेंगे, जिससे हल्दी कटहल में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। और अब हम इसे अच्छे से हाई फ्लेम पे गर्म होने देंगे। पानी हमारा कटहल के साथ अच्छे से गर्म हो गया है। और अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे और हाई फ्लेम पे 3 से 4 सीटी आने देंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और कुकर को अच्छे से ठंडा होने देंगे, जिससे कटहल बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट भी हो जाएगा और कटहल हमारे बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं होंगे। और आप देख सकते हैं कुकर में 3 सीटी आ गई है, कुकर ठंडा हो गया है। और अब हम इसके ढक्कन को इस तरीके से खोल लेंगे और कटहल को हम स्पैचुला पे लेकर के इस तरीके से चेक कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कटहल हमारे बिल्कुल परफेक्ट पके हैं। और अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और कटहल को ठंडा होने देंगे। आप देख सकते हैं कटहल को यहाँ मैंने निकाल लिया है और कटहल हमारे अच्छे से हल्का से ठंडा भी हो गए हैं। और अब हम एक इस तरीके का मैशर लेंगे और कटहल को
प्रेस करते हुए अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने कटहल को हल्के हाथों से दबाते हुए अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। हमें इसे इसी तरीके से मैश करना है और अब हम मैशर को निकाल लेंगे और इस पे लगा हुआ कटहल को भी इस पे से क्लीन कर लेंगे। और अब हम मैश किए हुए कटहल में एक बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। यहाँ मैंने प्याज को बहुत ही अच्छी तरीके से रफली बारीक कट कर लिया है और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे। यहाँ मैंने अदरक का यूज़ किया, आप इसकी जगह पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 बारीक कटे हुए हरी मिर्च डालेंगे और इसमें कलर के लिए 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे और इसमें स्वाद के लिए 1/2 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसमें 1/2 चम्मच या 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे। या मैंने गोटा जीरा का यूज़ किया है, आप इसकी जगह जीरा पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तीखे के लिए हम इसमें 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे जिससे आमचूर का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। बारीक कटे हुए हरा धनिया डालेंगे और अब हम इन सभी को अच्छे से हाथ से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। साफ हाथ से इस तरीके से मसलते हुए 1 से 1.5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं मैश किए हुए कटहल में सारे इंग्रेडिएंट अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। और अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए बेसन डालेंगे। यहाँ मैंने 4 चम्मच बेसन का यूज़ किया है और अब हम इसमें 1 चम्मच पिसे हुए चावल के पाउडर डालेंगे। यहाँ मैंने चावल के पाउडर का यूज़ किया है, आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं या आप इसे सिर्फ बेसन से भी इजीली बना सकते हैं। और अब हम बिना पानी डाले इस मिक्सचर में अच्छे से चावल के पाउडर और बेसन को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से बेसन सारे के सारे मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लिया है और देखिए हमारा स्नैक बनाने के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट इसका डो बनके तैयार हो गया है। हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से मसल लेंगे जिससे बेसन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा इसमें आएगा। और अब हम इसे हाथ में थोड़ा सा डो या बैटर लेंगे और इसे इस तरीके से हाथों पे फैला लेंगे और इसे पकौड़े का शेप देंगे। सेम तरीके से हम और थोड़ा सा बैटर लेंगे और इसे अच्छे से फैलाते हुए इसे भी पकौड़ा का शेप देंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सारे पकौड़े बना करके तैयार कर लिया है। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे और इसमें तेल डालेंगे। यहाँ मैंने रिफाइन ऑयल का यूज़ किया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है और अब हम इसमें एक एक करके सारे पकौड़े या आप इसे कटहल के वड़े भी बोल सकते हैं डाल करके हम इसे अच्छे से पकने देंगे या फ्राई कर लेंगे। इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे ये पकौड़े बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिस्पी और करारे बन के तैयार होंगे। और आप देख सकते हैं कटहल के पकौड़े हमारे एक तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं और अब हम इसे पलटते हुए दूसरी तरफ से भी सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे जिससे कटहल के पकौड़े हमारे बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनके तैयार होंगे। इस तरीके से अगर आप इफ्तारी या पार्टी पे बनाएंगे तो बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसे कटहल से बना के तैयार किया है। और आप देख सकते हैं हमारे कटहल के पकौड़ों में बहुत ही अच्छा कलर आ गया है और अब हम इसे दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। इस रेसिपी को आप घर पे जरूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। और सेम तरीके से बाकी बचे हुए कटहल के बैटर का या डो का भी हम पकौड़े बना करके उसे अच्छे से निकाल लेंगे और अब हम चलिए इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं।
और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने कटहल के पकौड़े को फटाफट से बना के निकाल लिया है। आप इसे चटनी, सॉस या ऐसे ही खाएं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। और अब हम इसके ऊपर धनिया की पत्ती लगाएंगे और आप देख सकते हैं कटहल के भजिया, वड़े या आप इसे पकौड़े बोल सकते हैं, ये देखने में जितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है खाने में, इससे भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है। और चलिए अब मैं आप सभी के साथ मिलूँगी एक और नई रेसिपी में।